आज सुबह एक रिश्तेदार की दावत पर कोलू के एक खूबसूरत पहाड़ कोहे जांदरान के लिए रवाना हुए और साथ ही आपको भी कोहे जांदरान की सैर कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा सफ़र है कोहे जांदरान के एक पुरेसरार गार का, जहाँ पर हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगी के कुछ अयाम गुजारे और वो जगह हमारे लिए काफ़ी मायने खेज है और वो जगह काफ़ी खूबसूरत भी है। इसलिए हमारे काफ़ी रिश्तेदार कुछ दोस्त पहले ही वहाँ ऊपर जा चुके हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। इस टाइम हम बाइक से जा रहे हैं, कुछ सफ़र हम मोटरसाइकिल पर तय करेंगे, उसके बाद फिर पैदल रास्ता शुरू होता है जो हमें पहाड़ की बुलंदियों तक ले जाएगी और हम वहाँ जाएँगे। और आज के इस व्लॉग में हम आपको ये सारा सफ़र और वो मकाम दिखाएंगे। इंशाल्लाह ये व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, तो हमारा साथ दीजिए इस व्लॉग के आखिर तक। ये इलाका नेसुबा कच कहलाता है। यहाँ हमने एक रिश्तेदार के यहाँ अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, जहाँ कुछ साथी हमारे मुंतजर थे। उन्हें साथ लेकर हमने पैदल सफर का आगाज किया। मोटरसाइकिलों पर हमारी सफर यहीं तक थी। इससे आगे हमारा सफ़र काफ़ी तवील है और इन चट्टानों पर है, वो हमें सारे का सारा पैदल तय करना होगा। हमारे साथ हमारे काफ़ी साथी हैं, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, तकरीबन 5-6 लोग हैं और इंशाल्लाह रास्ता आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। पहाड़ी पे हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, हम यहाँ अपना सफ़र तय कर रहे हैं और मौसम ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। बारिशों की वजह से सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, दरख्त यहाँ इतने बड़े नहीं होते लेकिन जो झाड़ियाँ वगैरह हैं वो काफ़ी सब्ज़ हैं और मौसम बहुत ही प्यारा है आज का यहाँ। लेकिन सफ़र अभी हमारा काफ़ी तवील है और थका देने वाला सफ़र है, तो इंशाल्लाह हम आपको रास्ते में अपडेट करते रहेंगे और रास्ते की सैर कराते रहेंगे। जो साथी हमसे पहले रवाना हुए थे उनसे भी रास्ते में मुलाकात हो गई और अगला सफ़र हम साथ ही तय करेंगे। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं, ख़ासकर हम जैसे लोगों के लिए जो शहरों की आसाइशों का आदि हों, ना ही पैदल चलते हों और ना ही मुशक्क़त वाले काम करते हों, जबकि जो लोग यहाँ रहते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं।
जी दोस्तों, तो हमने अपना काफ़ी सफ़र तय कर लिया और अब हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं। यहाँ हल्की हल्की हवा चल रही है और मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुका है। काफ़ी सब्ज़ा है पहाड़ों पे। अभी चंद दिनों पहले बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ की जो घास फूस है और जो झाड़ियाँ हैं वो काफ़ी सब्ज़ा हो चुका है यहाँ पे, और हम अपने सफ़र को काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। कोहे जांदरान हमारे आबाओ अजदाद का मस्कन रहा, इसलिए जब हमारे बड़े यहाँ आते हैं तो जगह जगह इशारे करके बताते हैं कि उस जगह हमने पड़ाव डाला था और वहाँ हम अपनी मवेशी चराया करते थे। महीनों बाद जब पहाड़ों की सैर को निकलता हूँ तो कई उलझने भूल जाता हूँ। यहाँ की खामोशी मेरी समाअत के लिए राहत का बायस बनती है और मैं इन लम्हों को अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे समझता हूँ। तकरीबन 9:30 बजे हम घर तक पहुंच गए। पहुंचते ही हमें कहवा पेश किया गया, जिसे पीकर सफर की थकान मिट गई। एक दोस्त की नज़र शहद के छत्ते पर पड़ी, जिससे उसने बड़ी महारत से शहद निकाला। और फिर हमें बिल्कुल खालिस शहद खाने को मिला। बलूचिस्तान के रवायती खानों में सज्जी एक अहम मकाम रखता है। सज्जी बनाने के लिए गोश्त को धोने के बाद उस पर नमक लगाया जाता है और फिर लकड़ी या लोहे के कीलों में पेवस्त करके ज़मीन पर गाड़ दिया जाता है और फिर दोनों अतराफ आग जलाया जाता है, जो कि तकरीबन 1 घंटे में अच्छी तरह पक जाता है। सज्जी बलूचिस्तान के लजीज खानों में सर फहरिस्त आता है।
काक भी बलोचों का एक रवायती खाना है। काक बनाने के लिए पहले एक पत्थर को आग में डालकर खूब गर्म किया जाता है और फिर उस पत्थर को किसी साफ और हमवार जगह पर रखकर उस पर सख्त गूंदा हुआ आटा रख दिया जाता है और उसे पत्थर पर इस तरह लपेटा जाता है कि उसे बाल की मानिंद गोल किया जाता है और फिर उसे भी सज्जी की तरह आग के करीब रखा जाता है। इस तरह काक अंदर से पत्थर की गर्मी और बाहर आग की तपिश से पक जाती है और ये काफ़ी लजीज होती है। खाने में सज्जी, काक, सालन और रोटी था। जानदरान की बुलंदियों में ये खाना कितना लजीज होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब रुख करते हैं इस गार में मौजूद उस पुरेसरार गोशे का जिसका यकीनन आपको इंतजार होगा। इस तंग गार के आखिर में एक बड़ा सुरंग मौजूद है जिसके बारे में मशहूर है कि इस सुरंग में तकरीबन 18वीं सदी के दो औलिया जनाब मस्तवकली रहमतुल्लाह अलैह और उनके रफीक चाचा बीड़ा खान, हम जिनकी पांचवी नस्ल हैं, वो दोनों हजरात इस सुरंग के अंदर जाते थे और उनके अलावा यहाँ कोई और नहीं जा सकता था। वो इस सुरंग में कई कई दिन गुजार लेते थे और जब बाहर आते तो इस सुरंग से ऐसे फल लाते थे जिनका मौसम ही न होता था और बाद में चाचा बीड़ा खान ने खुद या उनके बेटे गाजी खान ने इस सुरंग को बंद कर दिया। सोबत खान मरी अपने जद अमजद के बारे में बताते हुए कहते हैं, जी दोस्तों, तो हमारा आज का व्लॉग यहीं पे होता है ख़त्म। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल तारिक जानों को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और खूबसूरत मकाम से। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।